करेंगे, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन भारत के स्वाद से वो रूबरू होकर यहाँ से जरूर जाएंगे। लेकिन दीपक जी, ये तो स्वाद की बात हो गई, व्यंजन की बात हो गई, संस्कृति की बात हो गई, पर एक बात, आज रात ये डिनर खत्म होने के बाद जो कल सुबह होगी, जब अखबारों के पन्ने हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे एक एक्सपर्ट बता रहे थे जो विदेश में बैठे हुए कि वहाँ के अखबारों ने क्या लिखा है, तो भारत के नाम आज 3 से 4 बड़ी उपलब्धि रही है। अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना, इसके अलावा ज्वाइंट डिक्लेरेशन आना, न्यू दिल्ली लीडर्स का डिक्लेरेशन, और तीसरा भारत और यूरोप के बीच में मिडिल ईस्ट होते हुए जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, अमेरिका तक जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भारत से अमेरिका तक जाएगी हुआ है, तो इसकी भी बिल्कुल जाएगी सर। और ये पूरे दुनिया के अखबारों में मुझे लगता है इस खबर की धमक दिखाई पड़ेगी, क्योंकि भारत ने इसमें लीड किया है। जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका नेतृत्व किया है। और इसके साथ ही जो मैं कॉरिडोर की बात कर रहा था, कनेक्टिविटी कॉरिडोर, इससे चाइना सबसे ज्यादा परेशान होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट के देशों में चाइना को ज्यादा सक्रिय दिखाई देता है। हाल फिलहाल में सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौता कराने में चाइना का एक अहम रोल एक्सपर्ट ने बताया। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो ये रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, ये भले एक हमें कनेक्टिविटी दिखाई पड़े रेल के द्वारा या शिप के द्वारा, लेकिन ये अपने आप में रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चाइना इस कॉरिडोर से जरूर परेशान होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो देश इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपने हितों को भी इसमें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं सीधे प्रणय के पास चलता हूं। प्रणय, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट भारत के लिए, नेक्स्ट में कहा जा सकता है स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी आसमान भी आप भारत को रोक नहीं सकता। भारत की अगर आप छवि की देखें, भारत की जरूरत को देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला बड़ा मुल्क है, दुनिया की तेज रफ्तार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। क्यों निवेशकों की पसंद है भारत? भारत निवेशकों की पसंद इसलिए भी है दीपक जी, क्योंकि ये तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, और हर व्यक्ति जो निवेश करना चाहता है वो चाहता है कि उसका जो ROI है, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे अच्छा हो। इसलिए भारत, इस लिहाज से भारत को एक ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। साथ ही भारत की अब ये कोशिश होगी कि ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं, अगर UN नाकाम हो रहा है तो UN में सुधार होना चाहिए। वो UN काम का नहीं है जिसके अंदर भारत जैसा सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला देश उसकी सुरक्षा परिषद में ही ना हो। और सुरक्षा परिषद को लेकर कई बार ये चीज सामने आई है कि अगर किसी मुद्दे के ऊपर, जैसा हमने अभी रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर देखा, डेडलॉक बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि अगर दो मुल्क जिनके पास वीटो पावर है, वो एक दूसरे के खिलाफ अगर खेमे में खड़े हों तो पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। तो ऐसे में मल्टीलैटरलिज्म को नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश भारत कर रहा है, और यहीं से भारत की जो कोशिश है उसका लेवल, नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, जो जिसे 2.0 कहा जा सकता है। अब भारत की कोशिश होगी कि इसके बाद जो वैश्विक सहमति, कनेक्टिविटी और ट्रेड, इसको रिडिफाइन किया जाए। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे प्रणय, एक ब्रेक लेते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ।